चैनल घर की रसोई में दीपिका। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ राजमा मसाला। आपको पता ही है कि भारतीय देशों ने दो तीन देश ऐसे जिन्होंने एमडीएच और एवरेस्ट को बंद कर दिया क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा उन्होंने इंग्रेडिएंट्स डाला था जिससे कैंसर होने का खतरा था। तो आप ये मसाले अपने घर पे बड़े इजीली बना सकते हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स आपको जो है जो इनके अंदर यूज होना है, जो हमारे खड़े मसाले हैं या सूखे मसाले हैं जो यूज होने हैं, वो आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अब बाहर के मसाले छोड़कर घर के मसाले ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छे बनते हैं और ये आपके क्वालिटी यानी आपको पता है कि इसमें आपने क्या डाला है क्या नहीं, तो वो आपका एक अच्छा सा हाइजीन लेवल भी रहता है। तो जिसके लिए अब मैं कर रही हूँ अपने राजमा मसाले की शुरुआत, जिसके लिए मैंने ली है ये कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है, ये हमारी देगी मिर्च, कम तीखे यानी इसके अंदर तीखापन नहीं होता है, कलर के लिए बेसिकली ऐड की जाती है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डालना है और कितना कितना डालना है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि वो कितना कितना डालेगा। सबसे पहले हमने ली है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च, ब्लैक सॉल्ट यानी कि हमारा काला नमक, अमचूर पाउडर, लौंग, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, जीरा यानी कि क्यूमिन, अजवाइन हमारा जा रहा है नमक, कसूरी मेथी, साबुत धनिया यानी कि कोरिएंडर, दालचीनी यानी कि सिनेमन, जायफल यानी कि नटमेग पाउडर, जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर या इसको आप सौंठ का पाउडर भी बोल सकते हैं, सिट्रिक एसिड, काली इलायची या ब्लैक कार्डमम, तेज पत्ता यानी कि बे लीव्स, अनारदाना, इसमें आप साबुत अनारदाना भी डाल सकते हैं, अनारदाना का पाउडर भी डाल सकते हैं, चक्कर फूल यानी कि स्टार रिंग्स, और हमारी जाएगी हल्दी यानी कि टर्मरिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पे हम अपने जो खड़े मसाले हैं इनको रोस्ट कर लेंगे। हमारा धनिया, लौंग, काली मिर्च, हमारा जीरा, अजवाइन, सिनेमन यानी कि दालचीनी, काली मोटी इलायची और हमारे चक्कर, जो लाल मिर्च है यानी कि जो हमारी देगी मिर्च है वो, और बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता अलग से करें क्योंकि तेज पत्ता बहुत हल्की सी आंच चाहिए होती है। इसको लो फ्लेम पे हम खुशबू आने तक कुक कर रहे हैं। मैंने अपने बहुत सारे मसाले हैं जैसे छोले मसाला, दाबेली मसाला, गरम मसाला, किचन किंग, हमारे पाव भाजी मसाला है, फ्रेंकी मसाला है, तंदूरी मसाला, लॉलीपॉप मसाला है, वो सबकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से देख के वो मसाले भी ट्राई कर सकते हैं। हमारा कढ़ाई पनीर, पीरी पीरी मसाला, सीजनिंग, मैक्सिकन सीजनिंग, छाज मसाला, जलजीरा पाउडर, ये कई तरह के जो मसाले हम मार्केट से खरीदते हैं बहुत इजीली आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिए वो मसाले भी और ये मसाला भी जरूर ट्राई कीजिए। कमेंट आता है कि जो ये मसाले ये हमें घर पे कॉस्टली पड़ते हैं बनाने में और जो मार्केट बॉट होते हैं वो हमें थोड़ा सस्ते मिलते हैं, तो उसका रीजन बिहाइंड ये है कि जो कंपनीज है वो बल्क में माल खरीदती हैं तो उनको उसी हिसाब से रेट्स मिलते हैं। आप अगर अपने घर के लिए बना रहे हैं तो आप मोस्टली 1 किलो तक ही बनाते हैं, तो जब आप थोड़ा कम क्वांटिटी में बाय करते हैं तो इट्स ऑब्वियस वो आपको थोड़ा महंगा मिलता है। क्वालिटी का गुड़ यूज कर रहे हैं अपनी चीज बनाने के लिए, तो जब आप अपने घर के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो आप हमेशा क्वालिटी गुड्स पे ध्यान दीजिए, घर पे मसाले बनाइए, ये आपके 6 से 8 महीने बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। ये हमारे मसाले रोस्ट हो गए हैं, इनको निकालेंगे पैन में अलग। अब इसमें डाल हम अपनी लाल मिर्च को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम हमारी है, मसालों के टाइम पे आप हमेशा फ्लेम लो ही रखिए रोस्ट करते हुए, क्योंकि अगर कोई भी एक भी मसाला अगर आपका हल्का सा जल गया तो वो आपके जो मसाले को है एक बिटर टेस्ट यानी कड़वापन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी मसाला आप भुने वो लो फ्लेम पे भुने। अगर आपको इकट्ठे नहीं भुनने हैं तो आप अलग अलग सिंगल सिंगल करके भी, एक एक मसाला करके भी उनको भून के रख सकते हैं कि जब आपको बल्क क्वांटिटी में बनाना है तो आप क्या करेंगे कि एक सिंगल सिंगल जो एक एक आइटम है उसको अलग अलग भून लीजिए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइए और मेरी वीडियोस पे अपने शेयर, कमेंट एंड व्यूज जरूर दीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड प्लीज वो भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे फेसबुक के पेज, इंस्टाग्राम के पेज को जरूर लाइक कीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और डिशेस अलग अलग तरह की लेके आऊं अपने चैनल पे। अगर किसी को जैन स्टार्टर्स में इंटरेस्ट है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, जिसमें हम जमीकंद भी यूज नहीं करेंगे, लाइक हम उसे आलू से नहीं बनाएंगे जैन स्टार्टर, और लहसुन प्याज तो वैसे भी नहीं डलेगा उसमें।
तो अगर ऐसा भी कोई कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कोई कुकीज सीखना चाहता है या केक अलग तरह का सीखना चाहता है तो प्लीज मुझे अपने सजेशन दीजिए ताकि मैं वो अपने नेक्स्ट वीडियोस के लिए ला सकूं। ये मेरी मिर्च भी हो गई रोज, इसको निकाल रहे हैं हम इस पैन में अलग। अब इसी गर्म पैन में हम कर रहे हैं अपनी बेलीफ को, कुछ सेकंड के लिए करना है बेलीफ को क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है गर्म और पैन हमारा भी गर्म ही अच्छे से। तो लो फ्लेम पे जस्ट कुछ सेकंड इसको हमने किया है बेलीफ को भी, और हमारी बेलीफ भी हो गई है। इसको भी निकाल रहे हैं बाउल में हम अलग। फ्लेम को हमने कर दिया बंद, अब इसमें डाले हम अपनी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पैन को फ्लेम को बंद करने के बाद अब गर्म पैन में हल्का सा सॉटे कर दीजिए जस्ट, और ये हमारी कसूरी मेथी भी हो गई है। तो निकाल दिया हमने इसी बाउल में। जब ये हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। अब मैं इसको दिखाती हूँ आप इसके ठंडा होने के बाद। ये हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको कर रहे हैं हम ग्राइंड। एक मिक्सी के जार में हम अपने पहले डालेंगे ये साबुत मसालों को। ये हमारे पीस गया, अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम अपने पिसे हुए मसाले जो है काला नमक, हमारा नमक, अमचूर, हमारा सिट्रिक एसिड, जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर, हमारा जायफल, अनारदाना और हमारी हल्दी। अब इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे हम अच्छे से। ये हमने पीस लिया अपना मसाला, अब इसको हम क्या करेंगे छान लेंगे। ये हमारा राजमा मसाला रेडी है, इसको आप स्टोर करेंगे किसी जिपलॉक बैग में या किसी एयरटाइट कंटेनर में ताकि इसको कोई मॉइस्चर ना लगे और ये खराब ना हो। ये हमारे जिपलॉक बैग्स हैं, इनमें आप इनको सेल भी कर सकते हैं। ये हमारा राजमा मसाला रेडी है। अगर आपको ये मसाले की रेसिपी अच्छी लगी है ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अपने सजेशन भी दें कि मैं इन फ्यूचर अपनी वीडियोस में क्या क्या लेके आऊं आप लोगों के लिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।